मुझे बहुत शौक था पार्लर का शुरू से ही, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं कहीं अच्छी जगह से ट्रेनिंग नहीं कर सकी। पहले मेरे पास मुश्किलात मुझे ये थी कि मेरे पास एक अलहदा शॉप नहीं थी, वो सारा सिस्टम नहीं था कि मैं अलहदा अपना कोई काम कर सकूं, तो अपनी एक अलहदा शॉप हो, मटेरियल वगैरह सारा हो, तो वो चीज़ नहीं थी। इसका मुझे मुश्किल हुआ कि घर में ही मुझे करना पड़ता था। मेरी मदर शुरू से मुझे पता है, काफ़ी अर्से पहले की बात है कि मेरी मदर ने वहाँ से लोन लिया था खुशहाली बैंक से, तो मुझे आइडिया था कि अगर मैं कर सकूँ, वहाँ बात करूँ, रابطہ करूँ, तो शायद कि मुझे भी लोन मिल जाए और मैं अपना स्टार्ट करूँ। जो लोन ऑफिसर आते थे मेरी मदर के पास, उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझसे आप ना विज़िट करें हमारे घर, फॉर्म जो भी उनका प्रोसीजर है, तो हमें लोन चाहिए। तो उन्होंने फिर हमारे साथ रابطہ किया और लोन हमें दिया। काम तो मैंने घर से ही शुरू कर लिया था, घर में ही मैं करती थी, मेरे कस्टमर आ जाते थे। बट ये है कि लोन मैंने जब लिया है खुशहाली बैंक से, उसके बाद मैंने मज़ीद अच्छी क्लासेस ली और फिर मैंने बाहर काम शुरू किया। चलें, ये हो गया आपका, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने लोन लिया तो मैंने ट्रेनिंग ली, सेकेंड टाइम मैंने पार्लर के लिए कॉस्मेटिक वगैरह ख़रीदा, उसके बाद थर्ड टाइम जब मैंने लिया चेयर्स में मैंने इजाफ़ा किया पार्लर में, उसके अलावा फिर मैंने एक दफ़ा लोन लिया मज़ीद पार्लर की बेहतरी के लिए, जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने परचेज की। इसके अलावा क्यों नहीं कहा है? मैंने जब फ़र्स्ट टाइम लोन लिया तो मुझे टाइमली लोन मिला और उन्होंने मेरे साथ अच्छा यानी कि कोऑपरेट किया। मुझे पार्लर का शुरू से शौक था, मेकअप वगैरह सारा कुछ जो भी होता है तो मैं करती थी घर में, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली थी इससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना मटेरियल वगैरह पार्लर का सारी चीज़ें इनमें इजाफ़ा किया। इलाके में और भी काफ़ी पार्लर हैं, लेकिन ये है कि मेरा पार्लर ज़रा बेहतर है, मेरे क्लाइंट ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे रेट मुनासिब है। जब मैंने लोन लेने के बाद अपना काम शुरू किया है तो अब मैं अपने हस्बैंड पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। बेटी स्कूल गोइंग हो गई है, उसके जो भी खर्चे हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो मैं खुद पूरी कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा उन्हें कहना ही नहीं पड़ता। बल्कि डेली अगर होटलिंग का भी दिल करे, डेली पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है, हस्बैंड को बस कह देते हैं कि चलें हमें ले जाएं, तो वो ले जाते हैं, क्योंकि खर्चा खुद ही करना होता है, तो इसलिए इनकार नहीं करते। जैसे मैंने लोन लेके अपनी लाइफ बेहतर बनाई है पहले से, मैं मज़ीद कस्टमर्स को भी अपने यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी, आपके पास अगर हुनर है तो उसका फ़ायदा उठाएं, अगर पैसों की कमी है तो आप बैंक खुशहाली बैंक से लोन अप्लाई करें और उसके साथ आप मज़ीद आगे अपना काम स्टार्ट करें। पर्सनल मेरी जो ख्वाहिशात अपने लिए यही है कि अब फ्यूचर में एक गाड़ी भी हो, क्योंकि बच्चे भी दो हो गए हैं तो अब बाइक से गुजारा नहीं होता, और पार्लर में मज़ीद मैं किसी अच्छी जगह इंस्टीट्यूट बनाऊं जहां मैं लड़कियों को ट्रेनिंग दूं, और मेरे पार्लर के लिए मुझे एसी वगैरह और जो भी मेरी मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं करूँ अरेंज।